हाँ तो देखें आप पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से आप तक एक बहुत बढ़िया गीत भेज रहे हैं। देखो आप तो जैसे ही जब लाला हरदौल हाँ बेस खबाओ गो तो लाला और भौजी में बदकार हो रहा हो तो उनकी भाभी कह रही का कह रही देखो आप गीत के माध्यम से कह रही बे और का बिस भोजन में लाला हरदौल है समझा रही हूँ बता रही हूँ उनके लाने ए बिस भोजन में बेटा हरदौल है खाओ नहीं तुम्हें कॉल है ए बिस भोजन बिस के भोजन कराए गए तो उनकी भाभी कह रही कि बेटा हम आपका पुत्र से कम नहीं मानते जो सारो संसार जानत है ये बात था तो वे कह रही कि बेटा बिस भोजन में है आप बिस जहर के मिलो है जो वे भोजन ना करो लेकिन बिकावत आ रही कह रही चोगलन ने भर दे हैं कान भैया लाई प्रतिज्ञा ठान ले वो चाहते तुमरे प्राण ले वो चाहते तुमरे प्राण चोगलन ने भर दे हैं कान भैया लाई प्रतिज्ञा ठान ले वो चाहते तुमरे प्राण और चतुर चोगलन ने चतुर चोगलन में कोनो बड़ो रोल है चतुर चोगलन को कोनो बड़ो रोल है खाओ नहीं तुम्हें कॉल है ए बिस भोजन में बेटा हर दौल है खाओ नहीं तुम्हें कॉल जब इतनो बताओ भाभी ने करो के लाला हरदौल हाँ बताई है कि कोनो चुगलन ने बहुत कान भर दे आपके भैया के काए तो लाला हरदौल जवाब दे रहे कह रहे भाभी आप कह रही भोजन ना करो लेकिन अगर हम भोजन ना करें तो हुई है काई से हम भोजन जरूर करें कह रहे क्यों रहे विस्मय भोजन जो हम त्यागे विस्मय भोजन जो हम त्यागे लगे कलंक के कुल में आगे भैया के दिल चुभ रही सांगे भैया के दिल चुभ रही सांगे हरदौल लाला कह रहे अगर हम भोजन ना करें तो अपने ही कुल में बहुत बड़ो कलंक लग जाए इसे विस्मय भोजन जो हम त्यागे लगे कलंक के कुल में आगे भैया के दिल चुभ रही सांगे भैया के दिल चुभ रही सांगे और कारी पर जे है हाँ कारी पर जे बुंदेलन की बोल है आप करेंगे जहर के भोजन ना करो
अगर हम भोजन ना करें तो बुंदेलन में बहुत बड़ो कलंक लग जाए आगे की बॉल खाई से। अंतिम लाइने हैं, जब इतना बतका भाव तो लाला हरदौल कह रहा है अपनी भाभी से, का कह रहे भौजाई से बोले लाला, भौजाई से बोले लाला, देओ माता विस्मय प्याला, पीगा गट गट वीर बुंदेला, पीगा गट गट वीर बुंदेला। भौजाई से बोले लाला, देओ माता विस्मय प्याला, पीगाओ गट गट वीर बुंदेला, पीगाओ गट गट वीर बुंदेला। कह रहे हरदौल लाला, खून भैया को, हाँ खून भैया को, अब ना भौजी खोल है। हरदौल लाला कह रहे के भाभी हम जो विस्मय भोजन कर लें वो कर रहे तो भैया के मन में जो गिलानी है बात दूर हो जाए। मीना राजपूत को आप सुन रहे थे पवन कैसेट पठा टीकमगढ़ के माध्यम से।